छत्तीसगढ़ के दुर्ग कोंदल में कोरोना सैंपल कलेक्शन ड्यूटी पर तैनात मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की मौत हार्ट अटैक से हो गई। आपको बता दें कि पाटन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झिट में तैनात 32 वर्षीय दया साहू प्रवासी मजदूर के सैंपल ले रहे थे। इस दौरान उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई, फिर वे छुट्टी लेकर घर चले गए जहां उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। उनके भाई जगदीश ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झीट विकासखंड पाटन जिला दुर्ग प्रशासन को तुरंत इसकी सूचना दी। आपको बता दें कि उनकी पत्नी तथा 5 वर्षीय बेटे के भविष्य के लिए छत्तीसगढ़ अंशदायी पेंशन कर्मचारी कल्याण संघ एवं नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले कर्मचारियों ने आवाज बुलंद की है। कर्मचारियों ने उनके परिवार को 50 लाख बीमा दिलवाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री व मुख्य सचिव आदि को डायरेक्ट ट्विटर हैंडल के माध्यम से मांग उठाई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु ने कहा कि सरकार उनके परिवार को तत्काल आर्थिक मदद प्रदान करे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि हम उनके परिवार को हर संभव मदद करेंगे। छत्तीसगढ़ अंशदायी पेंशन कर्मचारी कल्याण संघ के बस्तर संभाग प्रभारी डिलेश्वर साव ने कहा कि सभी कोरोना वॉरियर्स कर्मचारियों को 50 लाख का बीमा मिले ताकि कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक रूप से सहायता मिल सके। कांकेर जिले एवं दुर्ग कोंदल के कर्मचारियों ने भी इस ट्विटर मुहिम में हिस्सा लिया है। दुर्ग कोंदल से संवाददाता CL बोदेलगर की रिपोर्ट। साहू जी हमारे कर्मठ साथी और NMOPS के बहुत ही वफादार साथी और इस जो कोरोना के संकट में मानवता पर संकट आया उसके लिए लगातार वो सेवाएं दे रहे थे, कार्य कर रहे थे। उसी बीच संक्रमित होना और जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनको जो भी सुविधाएं हैं वो दी जाएं और जो सबसे बड़ी ज़रूरत आज सुरक्षा के उनके परिवार को लेकर के है वो पुरानी पेंशन बहाल करें। क्योंकि एक बात को ध्यान रखना है, जो कर्मचारी देश के लिए, मानवता के लिए कार्य करते हुए जा रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसके परिवार की सेवा सुरक्षा का काम करना। इसी बात को लेकर के NMOPS राष्ट्रीय स्तर पर पूरा ट्विटर अभियान चलाया, माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाई और माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी साहब से मेरा निवेदन है कि उनके परिवार की सेवा सुरक्षा का सबसे शानदार एक ही रास्ता हो सकता है कि उनके लिए पुरानी पेंशन दें और सारे कर्मचारियों के लिए इस दिशा में इस कार्य करें। क्योंकि ऐसे संकट समय अगर कर्मचारी साथ खड़ा है तो सरकार को भी साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं छत्तीसगढ़ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष राकेश जी और उनकी पूरी टीम ने जिस तरह से दस से उनके परिवार के साथ लगातार लगे हुए हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि उनकी तत्काल कार्रवाई की जाए और उन्हें सुरक्षा दी जाए। आज दिनांक 19 मई 2020 को, जैसा कि मालूम है कि 17 मई को स्वास्थ्य विभाग के लैब टेक्नीशियन दया साहू जी का आकस्मिक निधन, कोरोना वॉरियर्स थे जो कि आकस्मिक निधन हो गया। उसी के संदर्भ में हम सब छत्तीसगढ़ के ही साथ साथ देश के NMOPS टीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के द्वारा तथा छत्तीसगढ़ अंशदायी पेंशन कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा ट्विटर मुहिम चलाई गई जो कि लाखों की संख्या में कर्मचारियों ने ट्वीट किया। और हम सब की एक ही मांग है कि दया साहू जी के परिवार को पुरानी पेंशन बहाल कर उनके आजीविका का प्रबंध करे शासन। हम सब कर्मचारी शासन के साथ हैं। जैसे हम सब ट्वीट कर रहे थे उसी बीच एक खबर आई बलरामपुर जिले से कि एक शिक्षक कर्मचारी का निधन हुआ। हम सब उसके भी साथ हैं। हम सब मांग करते हैं कि उस कर्मचारी का भी पुरानी पेंशन बहाल हो और उसका परिवार का जीविका का साधन बने। हम सब शासकीय कर्मचारी शासन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना वॉरियर्स हैं और आप शासन से आपके चैनल के माध्यम से अपील और निवेदन करते हैं कि शासन हम सब की पुरानी पेंशन बहाल करे। हम सब का एक ही मांग है, देश का एक मांग है, आपकी पुरानी पेंशन बहाल हो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.